गाइज, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैबवे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 एक्सट्रीमली यूजफुल होम एंड किचन यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू कवर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। तो आप लोगों की काफी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो आज आपको डेफिनेटली इस वीडियो में देखने को मिल ही जाएंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑल्सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैबवे। हेयर इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। दिस इज अ सेट ऑफ हैंगर क्लिप्स। इनको आप बहुत इंटरेस्टिंग वेज में यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर की साइड पर ये हैंगर है और नीचे ये क्लिप है और इसका ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। देन आप इन क्लिप्स को 360 डिग्री रोटेट भी कर सकते हैं। इन क्लिप्स को आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। मैं इनको यूज करती हूँ मॉनसून में अपने ड्राई कुशंस एंड पिलोज को धूप लगाने के लिए। दिस इज द इजिएस्ट वे टू कीप योर कुशंस एंड पिलोज क्लीन एंड फ्रेश। देन वी ऑल नो कि बनानास को लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रखने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उनको हैंग करके रखें, बट अगर हमारी फ्रूट बास्केट में ऐसा कोई प्रोविजन ना हो तो हमें उन्हें ऐसे ही रखना पड़ता है। बट नॉट एनी मोर, आप भी इन क्लिप्स को यूज करके बनानास को हैंग करके रख सकते हैं। इस तरह से बनानास लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रहेंगे और आपको इनको हैंग करने के लिए अलग से कोई स्टैंड भी नहीं लेना पड़ेगा। देन आप इन क्लिप्स को डिफरेंट टाइप की बास्केट्स स्मार्टली हैंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जस्ट टू क्रिएट सम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय जस्ट यूजिंग अ स्मॉल क्लिप। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड प्रोडक्ट। हम सभी लोग अपने घर में क्लिंग रैप तो यूज करते ही हैं, किसी भी फूड आइटम को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो डो हो या फिर कोई फ्रूट। बट मोस्टली क्लिंग रैप उन सर्विंग प्लेटर्स को कवर करने के लिए यूज किया जाता है जिनको हम नॉर्मली किसी लिड से या किसी प्लेट से कवर नहीं कर सकते। जैसे ये वाला प्लेटर काफी लॉन्ग है एंड दिस वन, इसके एजेस प्लेन नहीं है, देयरफॉर नो लिड कैन कवर देम एंटायरली। No doubt it's very useful, but tell me one thing, क्या आपको भी इस रैप के एजेस ढूंढने में, इसको निकालने में एंड फाइनली कट करने में डिफिकल्टी होती है? आई फाइंड इट रियली मेसी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेयर इज आर सेकेंड प्रोडक्ट। दिस इज अ क्लिंग रैप डिस्पेंसर विद अ कटर। इसमें क्लिंग रैप इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले साइड कैप को रिमूव कर लेंगे, क्लिंग रैप इसमें लगा लेंगे एंड फिर दोनों साइड से कैप्स को इंसर्ट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले थोड़ा सा क्लिंग रैप पुल आउट कर लें एंड नाउ इट्स रेडी टू बी यूज्ड। इसके बैक साइड पर सक्शन कप्स भी हैं, तो जब हम इसको किसी प्लेन सरफेस पे रखेंगे देन इट विल स्टे स्टेडी। अब देखिए हम हर बार कितना इजीली क्लिंग रैप डिस्पेंस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और अब इसको कट करना भी इक्वली इजी है एंड कम्प्लीटली मेस फ्री। दिस डिस्पेंसर नॉट ओनली सेव्स योर टाइम बट ऑल्सो प्रिवेंट्स द वेस्टेज ऑफ क्लिंग रैप इन योर किचन। अब चाहे हम इन प्लेटर्स को फ्रिज में रखें या फिर अपने गेस्ट के वेलकम के लिए डाइनिंग टेबल पर, एनी ऑफ योर फूड आइटम विल नॉट गेट ड्राई। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड प्रोडक्ट, ये है एक अमेजिंग मल्टी क्लीनिंग टूल फॉर योर किचन। इस टूल में तीन ब्रशेज हैं। फर्स्ट है ये ब्रश विद लॉन्ग ब्रिसल्स, सेकेंड है ये स्पाइरल ब्रश फॉर क्लीनिंग स्मॉल गैप्स एंड थर्ड है ये यू शेप्ड सिलिकॉन ब्रश। हम लोग अपनी बॉटल्स वगैरह तो वॉश कर लेते हैं पर उनकी जो कैप होती है वो जनरली हमसे इग्नोर हो जाती है और उनके अंदर डर्ट डिपॉजिट हो जाती है। लुक एट दिस। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन देम और इस ब्रश को यूज करके आप अपनी सभी बॉटल्स की, फ्लास्क की, लिड्स को इसी तरह से परफेक्टली क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ कैप्स ही नहीं, किसी स्मॉल स्पेस में से लेफ्ट ओवर फूड हटाने के लिए भी आप इस ब्रश को यूज कर सकते हैं। देन ये जो ब्रश है विद लॉन्ग ब्रिसल्स, इसको भी आप टाइनी स्पेसेस की क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। You will be amazed to see its uses.
और फाइनली आता है ये यू शेप्ड सिलिकॉन ब्रश। इसको हम यूज़ करते हैं सभी फ्लास्क की, बॉटल्स की, ये जो रिम होती है इसको क्लीन करने के लिए। एंड यस, आप इससे बॉटल्स की कैप भी क्लीन कर सकते हैं। तो अब हमारी सारी लिड्स कैप्स प्रॉपरली क्लीन हो चुकी हैं। वी कुड हार्डली इमेजिन कि एक छोटा सा प्रोडक्ट हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देयरफॉर आई थिंक इट्स अ मस्ट हैव इन एवरी किचन। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगर हमको अपने लॉफ्ट में से या किचन की टॉप कैबिनेट में से कुछ छोटा सा सामान चाहिए होता है तो जनरली हम किसी की वेट करते हैं कि यार वो उतार देंगे, या फिर अगर हमको लगे कि चलो यार छोड़ो खुद ही उतार लेते हैं, और अगर घर में लाडर हो भी तो वी फील वेरी लेजी कि यार इतने छोटे से काम के लिए कौन बार बार बाहर से लाडर लाए। तो फटाफट से बस काम निपटाने के लिए पास में रखा हुआ स्टूल या चेयर कुछ भी उठा के उस पर चढ़ जाते हैं, विच इज़ वेरी रिस्की। ये स्टूल मुड़ास बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते, और मैं खुद भी कुछ साल पहले अच्छे वाला गिर चुकी हूँ जब मुझे किचन की टॉप कैबिनेट में से कुछ सामान चाहिए था और मैंने भी जल्दी में मुड़ा यूज़ कर लिया था। सो प्लीज़ अवॉइड देम, रादर आप एक स्मॉल फोल्डेबल लैडर हैंडी रख सकते हैं। इट्स हैवी ड्यूटी एंड सेफ एज वेल। इसकी स्टेप्स एंटी स्किड है और इसमें सेफ्टी क्लच लॉक भी है। अब आपको जब भी किसी टॉप कैबिनेट में से कुछ सामान निकालना होगा तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सेफ रहेंगे। पहले मुझे लॉफ्ट में से जब कुछ सामान निकालना होता था तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड का ही वेट करती थी, बट नाउ आई कैन डू इट ऑन माय ओन। बिसाइड्स दैट, मैं अब अपने किचन की क्लीनिंग भी इजिली एंड कम्फर्टेबली कर पाती हूँ विदाउट एनी रश एंड एब्सोल्युटली नो फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। इस तरह से हम अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग एंड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने सारे काम फिनिश कर सकते हैं। वंस यू आर डन, सिंपली इसको अनलॉक कीजिए, फोल्ड कीजिए, एंड देन आप इसको किसी भी नैरो स्पेस में रख सकते हैं। हमारे फ्रिज के पीछे जो थोड़ी सी स्पेस होती है, मैं इसको वहीं पे रखती हूँ। इस तरह से ये लैडर ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती एंड हमेशा हैंडी भी रहती है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ प्रोडक्ट, काउंटर टॉप पे जहाँ भी सॉकेट होता है हम जनरली उसके पास ही अपने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अरेंज करके रखते हैं, जैसे कि सैंडविच मेकर, टोस्टर और अवन। अब अगर सॉकेट एक ही है और अप्लायंस ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम तो हम हमेशा फेस करते हैं कि जब भी हमें कोई अप्लायंस यूज़ करना हो तो बार बार बस उनके प्लग ही चेंज करते रहो। इट्स वेरी इनकन्वीनियंट, एंड इस तरह से सभी अप्लायंसेस की कॉर्ड्स भी स्कैटर्ड रहती हैं, विच लुक्स वेरी मेसी। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है टू यूज़ अ मल्टी प्लग, बट नॉट द ऑर्डिनरी वंस, रादर दिस एडवांस्ड मल्टी प्लग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मल्टी प्लग में आपको 3 3-pin सॉकेट्स मिलते हैं एंड अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने के लिए इंडिविजुअल स्विच। दिस वन फॉर द लेफ्ट सॉकेट, दिस वन फॉर द टॉप सॉकेट एंड दिस वन फॉर द राइट सॉकेट। एज यू कैन सी, इन तीनों ही अप्लायंसेस के 3-pin प्लग्स हैं, तो हम तीनों को एक ही मल्टी प्लग में एक साथ लगा के रख सकते हैं। इस तरह से सभी अप्लायंसेस की वायर्स भी ऑर्गेनाइज रहेंगी और आपको हर बार उन्हें यूज करते टाइम खोलना नहीं पड़ेगा। अब आपको जो भी अप्लायंस यूज करना हो सिर्फ उसका स्विच ऑन कर लीजिए। सी, इस तरह से हम अपने सभी अप्लायंसेस को कितना नीटली रख सकते हैं और कितना इजीली यूज कर सकते हैं। दिस मल्टी प्लग इज कंपैटिबल विद फ्लैट प्लग्स एज वेल। सिर्फ किचन में ही नहीं, आप इस मल्टी प्लग को अपने वर्क स्पेस में यूज कर सकते हैं या फिर इवन ट्रैवलिंग के टाइम कैरी कर सकते हैं। इट हैज रियली मेड माय लाइफ सो इजी। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, हम सभी लोग अपने किचन को क्लीन रखने की इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसीलिए आप में से काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी टू रिकमेंड अ गुड किचन क्लीनर। नाउ पहले मैं भी काफ़ी टाइम तक एक अच्छा किचन क्लीनर ढूंढ रही थी जो कि इफेक्टिव भी हो और नेचुरल हो। नाउ ये जो ब्रांड है हर्बल स्ट्रैटेजी, मैं इसका फ्लो क्लीनर एंड डिश वॉश लिक्विड काफ़ी ईयर्स से यूज़ कर रही थी। दे आर रियली गुड,
और ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में रिकमेंड भी किए हैं। इसीलिए जब मेरे को एक अच्छा किचन क्लीनर चाहिए था तो मैंने इसी ब्रांड का क्लीनर ट्राई किया, बट वो मुझे बहुत इफेक्टिव नहीं लगा। इट वॉज नेचुरल बट नॉट मच इफेक्टिव, एंड जो इफेक्टिव होते हैं वो नेचुरल नहीं होते। तो मैंने काफ़ी ढूंढा था एंड फाइनली आई फाउंड दिस ऑल सर्फेस क्लीनर बाय प्योरकल्ट। ऑल्सो गाइज, आई वॉन्ट टू कन्फर्म कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस ब्रांड के मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स भी ट्राई करे, आई लाइक देम फाइन, बट हाँ किचन क्लीनर मैं काफ़ी मन से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप DIY क्लीनर्स में बिलीव करते हैं देन दैट्स ग्रेट, बट अगर आप एक इफेक्टिव और नेचुरल क्लीनर सर्च कर रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। कुकिंग करने के बाद चाहे टाइल्स को क्लीन करना हो या स्लैब को या इवन कुकटॉप को, आई यूज दिस क्लीनर ऑल अराउंड माई किचन। इसको यूज करने के लिए सिंपली इसको सभी सर्फेसिस पे स्प्रे कर दीजिए एंड देन जस्ट वाइप। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि विद इन सेकेंड्स ये सभी सर्फेसिस को कितना अच्छे से क्लीन कर देता है। हमारी किचन प्रॉपरली क्लीन हो चुकी है, देयर इज नो ट्रेस ऑफ डर्ट एनीवेयर। देन मैं इसी स्प्रे को अपनी किचन कैबिनेट्स को अंदर से क्लीन करने के लिए और बाहर से क्लीन करने के लिए भी यूज करती हूँ। इट क्लीन्स देम एंड ऑल्सो एड्स अ लिटिल शाइन। एंड आई विल अगेन से इट कि अगर आप DIY क्लीनर्स यूज कर रहे हैं और उनके रिजल्ट से सेटिस्फाइड है देन दैट्स रियली गुड, बट अगर आप एक नेचुरल और इफेक्टिव क्लीनर ढूंढ रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड आवर किचन इज नाउ कम्प्लीटली क्लीन। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया है एंड आई एम शेयरिंग इट अगेन ओनली बिकॉज इट्स सो गुड। ये है सक्शन सील सिलिकॉन लिड्स। ये काफी फ्लेक्सिबल है और ये एक एयरटाइट सक्शन क्रिएट करती हैं। इनका सक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है और आप इनको साइड से ही उठा के रिमूव कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस। यू माइट बी थिंकिंग कि इन लिड को यूज करने का क्या बेनिफिट है। लुक, ये लिड किसी भी बोल को एयरटाइट बना देती है जिससे उनमें रखा कोई भी फूड आइटम ड्राई नहीं होता। लुक कैसे ये लिड को यूज करके ये बोल एकदम एयरटाइट बन गया है और अब आप अपने स्नैक्स को वरी फ्री फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। नॉट जस्ट स्नैक्स, आप फ्रूट्स को भी इसी तरह से इस लिड से कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अलावा आप बॉइल्ड राइस या फिर अगर लेफ्ट ओवर डो भी इस लिड से कवर करके फ्रिज में रखेंगे तो वो ड्राई नहीं होंगे। देन मेनी ऑफ अस फेस दिस इशू कि जब हम मिल्क को समर्स में फ्रिज में स्टोर करते हैं तो वो थोड़ा स्मेली हो जाता है क्योंकि वो फ्रिज में रखे हुए स्वीट्स फ्रूट्स सबकी स्मेल एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड अगर आप भी ये इशू फेस करते हैं तो मिल्क को कवर करने के लिए कोई मेश लिड या प्लेट ना यूज करके इन सिलिकॉन लिड्स को यूज कीजिए, इससे ये मिल्क स्मेल फ्री रहेगा। फाइनली इन लिड्स को आप स्क्वायर शेप्ड बोल्ट पे भी यूज कर सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो डिश वॉशर सेफ। कमिंग टू द 8th प्रोडक्ट, दीज आर वेरी स्मॉल ग्लास कंटेनर्स। दीज कंटेनर्स आर फ्रॉम IKEA, बट ये मैंने Amazon से लिए हैं। ये कंटेनर्स लीक प्रूफ हैं और जिन फूड आइटम्स को हम जनरली बहुत कमी क्वांटिटी में यूज करते हैं उनको स्टोर करने के लिए परफेक्ट है। ग्रेट पार्ट इज कि ये कंटेनर्स स्टैकेबल हैं, तो ये आपके फ्रिज में भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। ये कंटेनर्स आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। मैं इनको यूज करती हूँ थोड़ी सी चटनी स्टोर करने के लिए या फिर दही के लिए थोड़ा सा खट्टा रखने के लिए, और ये है थोड़ा सा पिकल जिंजर। लाइक आई सेड, ये कंटेनर्स लीक प्रूफ है तो आप इसके अंदर कर्ड या कोई भी करी डालकर ऑफिस कैरी भी कर सकते हैं।
ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। आपने अपने घर में नोटिस किया होगा, स्पेशली किचन में, कि जो हमारा काउंटर टॉप और टाइल्स के बीच में सीमेंट लगा होता है, ओवर द टाइम वो ऐसे क्रैक हो जाता है और वहाँ पर एक स्लिम सा गैप क्रिएट हो जाता है। यही गैप पेस्ट के लिए एक हाइडिंग कॉर्नर एंड इवन एक ब्रीडिंग कॉर्नर बन जाता है, इसलिए नेवर इग्नोर सच कॉर्नर्स। इनको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम ये पूरा एरिया अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम ये वाटरप्रूफ सीलेंट यूज करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप इसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक जरूर कर लें। इसके टॉप पे ये नोजल है, जिसकी वजह से आप इसको किसी स्मॉल स्पेस में भी इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इसको मैं अपने किचन में यूज कर रही हूँ, बट आप इसको अपने बाथरूम में ग्राउट फिल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स। सीलेंट अप्लाई करने के बाद उसको इवनली स्प्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर ये बलून यूज कर रही हूँ। अब बस आपको एक बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इस सीलेंट को इवनली स्प्रेड करना है। एक्सेस सीलेंट को आप किसी भी वेट क्लॉथ को यूज करके वाइप कर सकते हैं। सो हमारे सारे कॉर्नर्स में ये सीलेंट अच्छे से अप्लाई हो चुका है। वैसे तो ये बहुत क्विकली ड्राई हो जाता है, बट स्टिल 2-3 डेज तक इसको वाटर से दूर रखिएगा। कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, पहले मैं अपनी बैल्कनीज को क्लीन करने के लिए ये प्लास्टिक ब्रूम्स यूज करती थी एंड आई यूज टू गेट सो टायर्ड, क्योंकि इसके अंदर इतना टाइम लगता था और इतना बेंड भी करना पड़ता था। एंड अगर आप भी सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे मैं कर रही थी, सो हेयर इज अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर यू। ये है एक फ्लो स्क्रबिंग ब्रश एंड इट हैज सम स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके ब्रिसल्स बहुत लॉन्ग है और काफी स्ट्रॉन्ग है। सेकेंडली, इसके बैक साइड पर ये वाइपर भी है, विच मेक्स इट अ 2-in-1 टूल। देन इसके अंदर आपको हाइट एडजस्ट करने के लिए 3 रॉड्स मिलती हैं, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसमें उतनी ही रॉड्स इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज इट्स लेंथ विद 3 रॉड्स एंड दिस इज इट्स लेंथ विद 2 रॉड्स। ये ब्रश आपकी डेली क्लीनिंग क्विक और बहुत ईजी बना देता है। बिकॉज ऑफ इट्स शेप, ये सभी कॉर्नर्स में से और एजेस पे से भी डिपॉजिटेड डर्ट इजिली रिमूव कर देता है। Like I said, it's a 2-in-1 brush, तो क्लीनिंग करने के बाद आप इसी का वाइपर यूज कर सकते हैं। आपको बैल्कनी में अलग से कोई वाइपर नहीं रखना पड़ेगा। इस ब्रश को यूज करके आप अपनी बैल्कनी तो क्लीन कर ही सकते हैं, साथ ही में अगर आपके किसी बाथरूम में एंटीस्किड टाइल्स लगी हुई हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें भी डर्ट डिपॉजिट हो जाती है, तो उनको भी क्लीन करने के लिए आप ये ब्रश यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब पे। बाय।